हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, WPS ऑफिस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो WPS ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है उसकी है। यहां पर सबसे पहले मैं सम का फॉर्मूला आपको लगा देता हूं। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स को हमें जोड़ना है। आप देख सकते हैं ये लाइन से लिखे गए हैं। जरा देखिए, सब्जेक्ट 1, 2, 3 से लेकर 7 सब्जेक्ट है। इसका सेल एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब बस आपको एंटर करना है। ये आ गया, अब यहाँ पर जाकर के डबल क्लिक कीजिए, सारा आ जाएगा। अब एवरेज करना है तो इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज का आप फॉर्मूला लगाइए और सीधा फिर वही काम की यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हुए आ जाइए। टोटल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ये आ गए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो सबका आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम की बात करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम में भी सेम वही चीज, 7 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एंटर करना है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर कौन से सब्जेक्ट में है वो आ जाएगा, ठीक है, कितना है वो आ जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि कितना है वो आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा मैक्स फॉर्मूले की मदद से, और बस एंटर कर दीजिएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके और फिर यहाँ पर जो है अब हमें आना है। और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम जो भी नेम ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए या क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब मान लीजिए यहीं पे लिखना है तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो ये हो गया। मैच का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, मैच पर जो लिखा हो वही हमें खोजना है, कॉमा लगाना है और यहाँ से जाना है और इस तरीके से जाना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से जाना है और यहाँ पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस कर दिया, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद मैच टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे हम मैच टाइप के लिए 0 लगाएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए NA वैल्यू आ रही है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एवरेज का कॉलम नंबर पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और ये बताएगा कि एवरेज का कॉलम नंबर 10 है। अब कैसे 10 है जरा समझिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो एवरेज का कॉलम नंबर तो 10 ही है, लेकिन चलिए हम एवरेज का नहीं पता करना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं मैक्सिमम का। तो अभी मैक्सिमम की क्या कहानी है, मैक्सिमम यहाँ पे जैसे ही हम लेके आते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम का कॉलम नंबर 12 है, तो ये इजिली पता चल जाएगा। लेकिन क्या अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैक्सिमम जो लिखा है इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू लगाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही इज इक्वल टू लगाते हैं तो इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर वापिस से मैच फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। तो ये मैच लगा दिया, यहाँ पर जो लिखा हो उसी को हमें करना है, चेक करना है, पता करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहां से इस पूरे डेटा को कर लेना है सेलेक्ट, कर लिया सेलेक्ट, और करने के बाद F4 दबा के फ्रिज करना है, कॉमा देना है, 0 देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे NA आ गया। अब इसमें से कोई भी नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ अमित, तो अमित लिखते ही यहाँ पे आ रहा है रो नंबर 10। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, अमित का क्या है, रो नंबर 10 ही तो है। अब यहां से इसको अगर मैं हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कुछ और लिख देता हूं, लाइक राजेंद्र लिख देता हूं, ये राजेंद्र लिख गया तो राजेंद्र का 12 है। यहां से काउंट कीजिएगा तो राजेंद्र का 12 दिखाई दे रहा है, यहां पे राजेंद्र का 12 है।